बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिसमें पराली को जलाया ना जाए बल्कि पराली को गलाकर खाद बना दिया जाए। लेकिन सरकार की इस मुहिम पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इस मुहिम का विरोध कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि कल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लग गई थी जिसका ठीकरा आम आदमी पार्टी बीजेपी पर फोड़ रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपका कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि पराली को गलाना नहीं जलाना है और अब लैंडफिल साइट पर आग लगाई गई है। एमएलए साथी कुलदीप भाई यहां पे बैठे हैं जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया। गाजीपुर का जो लैंडफिलिंग साइट है, गार्बेज डिस्पोजल साइट है, जिसके ऊपर सांसद गौतम गंभीर शोध कर रहे हैं, वहां पे पूरी की पूरी लैंडफिल साइट में आग लगा रखी है। ये स्वाभाविक है ही नहीं, ये वैज्ञानिक तौर पे पॉसिबल ही नहीं है कि सब जगह ये आग जो है ये कहीं 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 दिखती थी। पूरी की पूरी लैंडफिल साइट के ऊपर आग लगा के सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को और दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब पराली का सीजन खत्म हो गया है तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो रहा है। इसलिए दिल्ली को बदनाम करने के लिए दो तरीके से भाजपा काम कर रही है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप पराली को गलाओ मत, जलाओ, और दिल्ली को बदनाम करो। अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप पराली को जलाना, इकट्ठा करो पराली को, और दूसरा कूड़े के ढेर के अंदर भाजपा ने आग लगवाई। हम ये चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, नगर निगम के कमिश्नर बताएं कि आग कैसे लग गई। कोई लैंडफिल साइट कोई सुनसान इलाका नहीं है कि कोई आया आग लगा के चला गया। वहां पर नगर निगम के अधिकारी रहते हैं, 24 घंटे ट्रक जो है वहां पर आते जाते रहते हैं, वहां पर ट्रक का अनलोडिंग होती है, तुलाई होती है, सब कुछ होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी आग लग जाए? तो हम इस चीज की मांग करते हैं एलजी साहब से कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच करें और कमिश्नर को डायरेक्शन दें कि वो इसके बारे में व्हाइट पेपर लाएं कि आग कैसे।